एनसीईआरटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार दे देते हैं, इनफैक्ट टू स्टार दे देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी, वट विल बी द 50th वर्ड, आपका 50th वर्ड क्या होना चाहिए ये आपको पता करना है। तो डिक्शनरी के अंदर आप ये सभी जानते हैं कि सबसे पहला लेटर होता है ए, फिर ए के बाद जो भी सोन आएगा, जैसे बी है, सी है, इस तरह से आपको लिखना होगा। तो इसके अंदर मान लीजिए मैं इसमें केस बना के ही इसको सोल्व करूंगा। तो सबसे पहले पहला केस लेते हैं, केस वन। तो सपोज कीजिए आपका पहले केस में आपका ए आपने फिक्स कर दिया, पहला आपने ये फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद ए से बनने वाले वर्ड्स कुल कितने बनेंगे आपको ये देखना, ए से बनने वाले, ठीक है। ए तो आपने फिक्स कर दिया, अब ए के बाद आपके कितने और बन सकते हैं इसके आगे, तो हमारे पास कितने ऑप्शन और बचे, बॉक्स मेथड लगा लेते हैं। तो हमारे पास देखिए चार और बचते हैं हमारे पास टोटल है, तो यानी कि 1, 2, 3, और मतलब पहले वाले केस के लिए आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल है जो कि लेटर्स आपके हो सकते हैं जी ए आई एन, तो चार ऑप्शन अवेलेबल है। अब एक कम हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3, फिर 2, यहाँ 1, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ काउंटिंग लगाओगे तो उसमें सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, दैट मीन्स ये आपका टोटल वर्ड हो जाते हैं 24। तो यानी कि ए से स्टार्ट होने वाले आपके टोटल वर्ड्स बनेंगे 24। उसके बाद नेक्स्ट केस बनाते हैं हम, केस 2। अब केस 2 में आप सोच रहे हो कि भाई एक ए तो ये रहा, तो एक ए अगर ये है भी ना तो इसके तो पहले आप बना चुके हो ना, तो आपको अगला लेने की जरूरत नहीं है। अब ए के बाद आपका नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए आप बता सकते हैं, जी बनेगा। अब हम जी की बारी लेंगे, इसकी बारी लेते हैं जी की। तो जी से स्टार्ट होने वाले के लिए क्या वर्ड होंगे, तो इसमें जी से ना आपका, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है, इस वाले केस में तो सारे डिस्टिंक्ट थे, तो आपका डिस्टिंक्ट वाला लगा दिया। आप चाहते तो इसमें ये भी लगा सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यू हैव टू टेक ऑल ऑफ देम। आप इसमें ना 4P4 भी लगा सकते थे, वो भी कैलकुलेट करने के बाद आपका 24 ही आता। बट इस केस में आपका जो है ना, आपके जो ऑप्शन अवेलेबल है वो आपके बचेंगे इसके अंदर ए ए आई एन, आपका बच रहा है ए ए आई एन। इसमें जो ए है ये 2 times आ रहा है, तो आपका जो रूल्स है वो दिमाग में एक बार रखो। रूल क्या था हमारा, एन फैक्टोरियल अपॉन पी वन फैक्टोरियल पी टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू पी के फैक्टोरियल। ये नॉलेज क्लाउड का एक बार निकाल लिया हमने बाहर, अपने दिमाग में रखा कि ये वाला यूज होता है इस केस में, अगर डिस्टिंक्ट ना हो, अगर सेम हो तो इसमें 2 आ रहे हैं तो डिवाइड करना होता है सेम वालों से, तो ऊपर तो 4 रहना ही रहना है, बट नीचे जो है ना 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ए आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये खुलेगा 4, 3 और 2 से डिवाइड, आपने 2 से कट जाना है वैसे तो, अगर आपने खोला हुआ 2 factorial तो ये कट जाएगा, तो टोटल 12 आ जाएगा। अच्छा, अब जी के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए आप बता सकते हैं, आई, ठीक है जी। अब आई कर लेते हैं केस 3, जिसमें आई फिक्स कर दिया है। तो आई अगर फिक्स कर दिया है तो हमारे पास अब वर्ड बचे कौन कौन से हैं, हमारे पास बचा है जी ए ए एन, तो इस केस में भी आपका ही बनेगा 4 factorial 2 factorial, यही बनेगा सेम ही, इसका भी आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो 12 हो जाएगा। अब आपका एक काम करते हैं, पहले ना इनको टोटल भी करके देख लेते हैं कि टोटल कितना हो चुका है अब तक। ये हो चुका है 24, 12, 12, इन सभी को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा टोटल 48 हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हम अपने वर्ड के काफी निकट आ चुके हैं। तो अब केस 4 आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 49th वर्ड क्या होना चाहिए और 50th वर्ड हमारे को चाहिए तो पता करते हैं। तो ये बात तो तय है कि 49th वर्ड आपका N से स्टार्ट होगा, तो अगर वो N से स्टार्ट होगा तो आप N तो लिखना ही लिखना है, और अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी A आएगा, फिर A आएगा, फिर A के बाद क्या आना चाहिए आप अगर कैलकुलेट करें तो देखेंगे कि G आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, फिर I आ जाएगा। तो ये तो हमारा 49th होना चाहिए, बट 49th के बाद 50th क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, तो वो 50th वर्ड हमारा हो जाएगा
देखिए n भी रहेगा, a भी रहेगा, a भी रहेगा, बट ये जो i है यहाँ पर आ जाएगा और g यहाँ रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो दिस विल बी अवर 50th वर्ड.